शिक्षा विभाग की लापरवाही ले सकती है। किसी की जान। जनपद अमरोहा के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ग्राम अब्बू सहितपुर उर्फ सुदनपुर के प्राथमिक विद्यालय अब्बू सहितपुर में देखने को मिली स्कूल की जर्जर हालत। ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल अभी गिरने वाला हो। स्कूल की छत, किचन, शौचालय, स्कूल का फर्श, यहां तक कि मास्टर एवं बच्चे तो क्या ग्रामीण भी स्कूल के कमरों में जाने से डरते हैं। कहीं छत गिर न जाए। स्कूल में रहे छात्र छात्राओं को मास्टर किसी के मकान में बैठा कर पढ़ा रहे हैं, जिस पर स्कूल की अध्यापिका कविता कुमारी से बात करने पर मीडिया को बताया कि वर्षों से स्कूल की हालत जर्जर हालत में है। बच्चों को स्कूल के कमरों में जाने पर स्कूल की छत गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे हम गांव के एक मकान में बैठा कर पढ़ाई करा रहे हैं। प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने स्कूल के दोबारा निर्माण के लिए BSA गीता वान को एवं ABS अरचना सिंह को भी लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना ये है कि शिक्षा विभाग स्कूल का दोबारा निर्माण कराएगा या किसी अनहोनी होने का इंतजार करेगा। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या मामला है स्कूल का? जर्जर भवन काफी सालों से, कई साल हो गए। ये इसकी वजह से यही है कि डी साहब भी आए थे यहाँ पे नीलामी के लिए, तो नीलामी के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने कीमत ज़्यादा लगा दी, जितनी इसकी कीमत है उस हिसाब से जो किसी ने नीलामी के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो वो भी वापस चले गए। उन्होंने कहा फिर दोबारा डेट आएगी, तो दोबारा से अभी तक अभी एक साल हो चुका, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई नीलामी की सूचना आएगी। तो नीलामी क्यों कर रहा है? नीलामी इसलिए कि दूसरी बिल्डिंग आएगी, तो इसे जो भी मटेरियल है उसी हिसाब से अपने यहाँ पर जो काम होना वो हो जाएगा, वो जो नई बिल्डिंग आएगी उसी के हिसाब से अलग बन जाएगी। नहीं, आपने इसके लिए शिकायत तो की होगी? हमने कई बार ABSA के पास भी, BSA के पास भी सब आते हैं यहाँ पर, लेकिन कह के चले आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे प्रधानाचार्य जी ने बहुत चक्कर मारते हैं, यानी हफ्ते में तो एक चक्कर लगा देते हैं वो स्कूल के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कई स्कूल है हमारे, अभी सोना ग्राम पंचायत में दो स्कूल हो रहे हैं जी, वहाँ पे भी जो जर्जर भवन है वहाँ की भी कोई सूचना कुछ नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी, शिक्षा मित्र। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय अब्बू शहीदपुर। क्या मामला इसका, कैसे जर्जर पड़ा है? भवन है, मतलब पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोई मतलब किसी अतिरिक्त कक्ष की किसी की सुविधा नहीं, किसी के घर में मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं बैठा के। प्रधानाचार्य कौन है? राजेश कुमार प्रधानाध्यापक। आते नहीं है? आते हैं, छुट्टी पे हैं। तो उन्होंने कभी शिकायत की इसकी? बाकी सब जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई निर्माण के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है। क्या वजह बताई? कोई वजह नहीं, आते हैं देखने अधिकारी चले जाते हैं, फिर कुछ सोच नहीं देते उधर से। कुछ तो कहते होंगे, कुछ नहीं, बन जाएगा, पैसा जाएगा, बन जाएगी बिल्डिंग बस। ये भी ऐसे मैडम ने, कही कि इसमें बैठाना बंद करो बच्चों को, और किसी के मतलब ये भी बता दिया है कि मतलब किसी के घर बैठ के पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। कौन से क्लास तक है? 1 से 5 तक। अच्छा, दूसरे घर में बैठ के कब से पढ़ा रहा है? कितने मतलब 2 मंथ हो गए, 2 महीने से। ये कब से जर्जर है? कई साल हो चुके हैं, कई साल से इसे ऐसे खतरों से खेल रहा है। कभी अब तो कुछ ज्यादा जर्जर है, तो इसलिए वहाँ बैठाना पड़ा बच्चों को। नहीं, प्रधानाचार्य की शिकायत पे कभी अधिकारियों का राउंड हुआ यहाँ पे? ज्यादा अधिकारी राउंड नहीं हुआ है, कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं। कभी कोई घटना हुई यहाँ पे? घटना तो अभी तक नहीं हुई है ऐसी। अच्छा, खाने की व्यवस्था क्या है? खाने की व्यवस्था बच्चों को खाना खवाने यहाँ ले आते हैं, फिर खाना खवा के अपने वापस उनके घर ही ले जाते हैं। अच्छा, ये टॉयलेट जो टूटी पड़ी है इसकी जर्जर आ रहा था, इसमें क्या करते हो? इसमें क्या करते, जब बच्चे हैं बैठे हुए तो ये भी जर्जर ही है। तो दूसरे घर में क्या किराया देते हैं किसी को? किराया तो नहीं दिया अभी, ऐसी मतलब उन्होंने बैठाने के लिए बोल दिया है। कितने बच्चे लगभग होंगे हमारे यहाँ? 31 बच्चे हैं कुल।